नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सीता सोरेन ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सीता सोरेन बीते कई दिनों से नाराज चल रही थी, उसके बाद उन्होंने अपना ये फैसला सुना दिया। उन्होंने एक पत्र लिखा और शिबू सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष है उन्हें सौंपा। उस पद में उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने सभी पदों से पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं। आपको बताते चले कि इस्तीफे के पीछे के जो कारण सामने निकल करके आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि सीता सोरेन बीते कई दिनों से नाराज चल रही थी। जैसे ही झारखंड में नई सरकार बनी, चंपई सोरेन की सरकार में मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, विस्तार के दौरान तमाम नेताओं को जगह मिली मंत्रिमंडल में, लेकिन उस जगह पर सीता सोरेन को कोई भी पद मंत्री का नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नाराज थी। उससे पहले भी ये देखा गया कि जब मुख्यमंत्री पद के चयन की बात चल रही थी उस दौरान भी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम जैसे ही सामने आया उस दौरान भी सीता सोरेन ने अपनी दावेदारी ठोकी और उन्होंने कहा था कि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद पर जगह चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो यहां पर कल्पना सोरेन को भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए कि वहां पर मामला फंसा, फंसते ही चंपई सोरेन ने शपथ लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नई सरकार बनाई। उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सीता सोरेन को मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जगह मिल सकती है, जिसके लिए सीता सोरेन ने भी दावा ठोका था। हालांकि उसके बाद भी सीता सोरेन को कोई भी मंत्री पद पर जगह नहीं मिला और अब लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले ही सीता सोरेन ने जेएमएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम पार्टी से इस्तीफा देते ही झारखंड की सियासत में बड़ा हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा भी चल रही थी कि सीता सोरेन कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकती है, क्योंकि जेएमएम पार्टी में उनकी ऐसी कोई भी मांग नहीं है जिसको पूरा किया जा रहा था। आपको बता दें कि इसको लेकर के जो उन्होंने पत्र लिखा, पत्र अपने ससुर यानी कि जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रही है। झारखंड की सियासत में सोरेन परिवार के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही हेमंत सोरेन को जेल हो चुकी है और उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद जेएमएम पार्टी को सोरेन परिवार का दोहरा मार पड़ा है, जहां पर सीता सोरेन ने भी बैक ऑफ कर लिया है। बता दें कि बीते कई दिनों से उनके परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ना परिवार ना पार्टी, दोनों ही जगह से खफा नजर आ रही थी सीता सोरेन, और आखिरकार ये बड़ा फैसला सीता सोरेन की तरफ से ले लिया गया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा सीता सोरेन की तरफ से लिए गए इस फैसले का झारखंड के जेएमएम पार्टी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से भी ये बिल्कुल साफ है कि वो जेएमएम पार्टी को सीधी टक्कर देने के लिए झारखंड में अपने जमीनी स्तर को मजबूत कर रही है। ऐसे में सीता सोरेन का इस्तीफा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अब उनको अपने पार्टी में लाने की पूरी कोशिश कर सकती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा सीता सोरेन के इस फैसले का अब आगे क्या असर पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महुआ खबर।